हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था नाइन्थ, नौवा अध्याय चल रहा था, जिसका नाम है जंतु वर्गी की एनिमल टैक्सोनॉमी। यह हमारे इस लेसन का सातवां पार्ट है, ठीक है, जिसमें अपन ने लास्ट में अभी तक की क्लासों में अपन ने एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था जो हमारे सिलेबस में था, जिसका नाम है अकशेरुकी जंतुओं का संघ स्तर पर का वर्गीकरण, ठीक है। अब अपन ने शुरू किया था पिछली क्लास में वर्टिब्रेटा या फिर कशेरुकी जंतुओं का वर्ग स्तर तक का वर्गीकरण, जिसमें दो भागों में वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया था, एक एग्नेटा और दूसरा है दूसरा है स्टोमेटा के रूप में, ठीक है, साइटो स्टोमेटा नेटो स्टोमेटा के दो भागों में बांटा गया था, जिसमें अपन ने कल थोड़ी सी चर्चा की थी किसके बारे में, भाग एग्नेटा के बारे में। तो अपन उसको वापस एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए भाग एग्नेटा, ठीक है, पहला भाग है भाग एग्नेटा, भाग एग्नेटा, भाग एग्नेटा में क्या होता है, भाग एग्नेटा की क्या खासियत है, इसमें जीवों के वास्तविक जबड़े अनुपस्थित होते हैं, वास्तविक जबड़े नहीं पाए जाते, इसकी खासियत क्या है, जीवों इस भाग के जीवों में वास्तविक जबड़े अनुपस्थित होते हैं, वास्तविक जबड़े क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगला देखिए, शरीर पर उपांग व जनन वाहिनियां नहीं पाई जाती, इनके शरीर पर किसी भी प्रकार के उपांग नहीं पाए जाते हैं, शरीर पर उपांग तथा जनन वाहिनियां नहीं पाई जाती, जनन वाहिनियां नहीं पाई जाती है। तो ये इस भाग की कुछ खासियत है। इस भाग में अपन एक ही वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, एक ही वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है, साइक्लोस्टोमेटा। तो देखिए वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, वर्ग है अपना साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग की क्या खासियत है, इसमें ज्यादातर जो भी जीव होते हैं वो समुद्री या अलवणीय जल निवासी होते हैं, समुद्री ज्यादातर तो समुद्री होते हैं पर वह अलवणीय, कुछ एक मीठे पानी में भी पाए जाते हैं, अलवणीय जंतु, अलवणीय जंतु या जल निवासी होते हैं, ठीक है। फिर इनकी त्वचा सल्क रहित होती है, सल्कों के बारे में मैंने आपको कल एक मछली का डायग्राम बना के बताया था, ठीक है। तो त्वचा सल्क रहित तथा चिकनी होती है, इनकी जो त्वचा होती है त्वचा वो क्या होती है, सल्क रहित तथा चिकनी होती है, सल्क रहित तथा चिकनी होती सल्क रहित तथा चिकनी होती है, ठीक है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है, किसका अभाव होता है, जबड़ों का अभाव होता है, अभाव होता है, ठीक है, जबड़ों का अभाव होता है, इसके मुख्य लक्षण है ये सभी साइक्लोस्टोमेटा के, पहला दूसरा तीसरा। अगली चीज अपन नोट बना के अगर लिखें तो
क्या होता है कि जो सभी प्राणी होते हैं, इनके जो सभी प्राणी होते हैं, कुछ मछलियों के बाह्य पर्जे भी या अपमार्जक होते हैं। ठीक है, इसके सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी या अपमार्जक होते, क्या होते हैं? अपमार्जक होते, अपमार्जक या बाह्य परजीवी होते हैं। अर्थात कुछ ऐसे प्राणी होते हैं इसमें से, लगभग सभी प्राणी जो कुछ मछलियों को खाने के रूप में ग्रहण करते हैं, बाह्य परजीवी या अपमार्जक होते हैं, अर्थात वो मछलियों की सफाई का कार्य करते हैं। ठीक है, इनका मुख वृत्ताकार होता है, इनका जो मुंह होता है वो वृत्ताकार होता है, जिसमें हुक जैसे दांत लगे होते हैं, हुक के जैसे दांत लगे हुए होते हैं जो शिकार को पकड़ने का कार्य, इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। इनका मुख वृत्ताकार होता है तथा इनका मुख क्या होता है? वृत्ताकार होता है तथा इनका मुख वृत्ताकार होता है तथा हुक जैसे दांत लगे होते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लो का मतलब क्या होता है? हम बोल साइकिल, साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। पांचवा, पांचवी इसके क्या खासियत है? ये श्वसन के लिए इनमें 6 से 15 जोड़ी तक क्या होते हैं? क्लोम होते हैं। श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं, क्लोम छिद्र होते हैं, 6 से 15 जोड़ी तक के क्लोम छिद्र होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें मेरुदंड व कपाल उपस्थित होते हैं, मेरुदंड व कपाल उपस्थित होते हैं, कपाल व मेरुदंड उपस्थित होते हैं, मेरुदंड व कपाल उपस्थित होते हैं, मेरुदंड व कपाल उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात इनका जो रुधिर होता है वो वाहिनियों में रहता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह समुद्री प्राणी होता है, लेकिन अपनी जनन क्रिया के लिए अलवणीय जल में जाता है। ठीक है, देखिए, समुद्री प्राणी लेकिन जनन क्रिया के लिए अलवणीय जल में जाता है, अलवणीय जल में जाता है। इसका एक लार्वा अवस्था होती है जिसको एमोसिट लार्वा कहते हैं, अर्थात वहां पर जनन क्रिया करेगा, वहां पर अलवणीय जल में जनन क्रिया करेगा, फिर अंडे देगा, अंडे में से एक लार्वा अवस्था आती है जिसको एमोसिट लार्वा, जब वो एमोसिट लार्वा निकलता है तब वो कहां? अलवणीय जल से वापस कहां आ जाते हैं? समुद्र में आ जाते हैं। इसके
एमोसिट लार्वा के कायांत्रण अर्थात वो एमोसिट लार्वा जब एक वयस्क तो एक शिशु के रूप में बदलने लगता है, ठीक है, कायांतरण के बाद बदल जाता है, कायांतरण हो जाता है, पश्चात पुनः समुद्र में आ जाते हैं, पुनः समुद्र में आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इनका एग्जाम्पल लैम्प्रे, हैगफिश, लैम्प्रे, हैगफिश, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, लैम्प्रे, हैगफिश। तो ये तो थी हमारी बाघ इग्नाता में जो वर्ग साइक्लोस्टोमेटा है, इसके मुख्य लक्षणों की बातें थी जो अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट है हमारा ये भाग में, इस इग्नाता भाग में एक ही क्या था, वर्ग था पढ़ने के लिए हमारे, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, अगला हमारा है जो दूसरा भाग, सेकेंड भाग, सेकेंड, ठीक है, जिसका नाम है भाग नेथोस्टोमेटा। इसमें अपन लगभग 6 के आसपास या 4 के आसपास क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है, 6 या 4 के आसपास अपन इसमें वर्ग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नेथोस्टोमेटा। उससे पहले अपन क्या करें, उससे पहले इस नेथोस्टोमेटा के बारे में तो थोड़ा बहुत जान लें। नेथोस्टोमेटा क्या होता है, इस वर्ग के, अब नेथोस्टोमेटा एक वर्ग पूरा भाग बनाया गया है तो इसकी कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, ठीक है। तो इसमें कौन से जीव आते हैं, जिन जीवों की खासियत क्या है, तो देखिए, पहला, इसमें वास्तविक जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इसमें वास्तविक जबड़े व जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं, ठीक है, वास्तविक जबड़े और जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। पहली चीज, इसमें वास्तविक जबड़े व जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं, जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें जो कशेरुक दंड होती है वो पूर्णतया विकसित होती है, इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुक दंड, ठीक है, वो पूरी विकसित होती है, कशेरुक दंड पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है कशेरुक दंड। नेक्स्ट अगला आया हमारा, ठीक है, इनमें जो गमन के अंग होते हैं, श्वसन अंग, गमन के अंग, श्वसन अंग, हृदय व त्वचा के आधार पर दो अधिवर्गों में इनको बांटा गया है, पीसीज और टेट्रापोडा, दो अधिवर्गों में इनको बांटा गया है, पीसीज और टेट्रापोडा। देखो, गमन, श्वसन, हृदय, गमन, श्वसन, हृदय, ठीक है, हृदय व त्वचा के आधार पर, त्वचा के आधार पर इन्हें दो अधिवर्गों में, पर इन्हें दो अधिवर्गों में बांटा गया है, कौन से दो अधिवर्गों में इनको बांटा गया है, दो अधिवर्ग कौन से हैं, देखिए, पहला तो है पीसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। पहला क्या है हमारा, पीसीज, पहला है पीसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। तो पहला तो है हमारा पीसीज और
दूसरा है हमारा डी है टेट्रापोडा। ठीक है, देखिए क्या होता है इस पर। अब इसकी क्या खासियत है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बारे में अपन पढ़े उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका, नए से अपन शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले पीसीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पीसीज के बारे में, पीसीज क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली अपनी चर्चा होगी जो अधिवर्ग होता है, अधिवर्ग पीसीज के बारे में। किसकी पीसीज की चर्चा करें, अधिवर्ग पीसीज के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए इसके लक्षण क्या क्या है, इसके खासियत बातें क्या क्या हैं। तो देखिए ये पूर्णतः जलीय होते हैं, पूरे जलीय। ठीक है, स्थल में एक भी जंतु इनका नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जल में वो भले अलवणीय में भी हो सकते हैं, लवणीय में हो सकते हैं, समुद्र के खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं और नदियों तालाबों के मीठे पानी में भी पाए जा सकते हैं। ये क्या होते हैं, पूर्णतः जलीय होते हैं। अब वो लवणीय व अलवणीय दोनों लवणीय और अलवणीय दोनों जलों में पाए जा सकते हैं। इनके चलने के जो अंग होते हैं वो पंख होते हैं तथा पादों का अभाव होता है। चलने के अंग पंख होते हैं तथा पाद का अभाव होता है। चलने के अंग इनके पंख होते हैं और क्या होता है, पाद का अभाव होता है। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो सिर धड़ और पूंछ में विभेदित होता है। इनका जो शरीर होता है, शरीर सिर धड़ व पूंछ में बटा होता है, बड़ा होता है, शरीर सिर धड़ और पूंछ में बड़ा होता है। ठीक है, तैरने के लिए इनमें पंख व पूंछ होते हैं। ठीक है, इनमें तैरने के लिए पंख व पूंछ होती है। पूंछ व जो पंख होती है वो तैरने में काम आती है, पूंछ होती है। अब इनके जो पंखों के नाम होते हैं, पंखों के नाम कौन कौन से, एक तो पेक्टोरल, ठीक है, और दूसरा होता है पेल्विक पंख। अब देखेंगे अगर किसी मछली को हम पकड़ेंगे तो उसमें दो प्रकार के पंख पाए जाते हैं, एक तो पेक्टोरल और एक पंख पैल्विक पंख होते हैं। ठीक है, ये असमतापी प्राणी होते हैं, अर्थात असमतापी प्राणी का मतलब होता है कि ये
बाहरी वातावरण के अनुसार अपना क्या करते हैं, शरीर का तापमान बदलता है। ये क्या होते हैं, असमतापी प्राणी हैं, अर्थात बाहरी वातावरण के तापमान के अनुसार इनके शरीर का ताप बदलता है। शरीर का ताप क्या होता है, बदलता है। छठा है शरीर पर सलकों का बना, भाई ये कंकाल पाया जाता है इनके शरीर पर, सलकों का बना भाई ये कंकाल पाया जाता है, सल्क पाया जाता है शरीर पर, सलकों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। शरीर पर सलकों का बना बाह्य कंकाल में पाया जाता है, ठीक है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए दो जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया के लिए दो जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, दो जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, गिल पाए जाते हैं, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र एक सिरीय होता है, अर्थात एक ही दिशा में बहता है, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र एक सिरीय होता है, एक ही सिरा की तरफ बहता है या एक ही दिशा में बहता है, एक सिरीय होता है। इनमें मेसोनेफ्रिक वृकक पाए जाते हैं, ठीक है। वृकक किस प्रकार के होते हैं, मेसोनेफ्रिक वृकक पाए जाते हैं, मेसोनेफ्रिक वृकक इनमें पाए जाते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा क्या होते हैं, इनमें अलग अलग होते हैं, जिनमें अंतः व बाह्य निषेचन पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं तथा अंतः व बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है इनमें। ज्ञान इनमें जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, सामने होता है, तथा शिशु अवस्था को फ्राई कहते हैं, ठीक है। इनमें परिवर्तन क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, अर्थात कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, तथा शिशु को फ्राई फ्राई कहते हैं, फ्राई कहते हैं। ये इनके शिशु के बारे में खासियत बात थी, ठीक है। शिशु को फ्राई कहते हैं। तो ये तो थी हमारे किसके बारे में, पीसीज के बारे में, पीसीज की कुछ खास बातों के बारे में, पीसीज की कुछ खास बातें हैं जो हमने पढ़ी है, ठीक है। अगला है, अब इनको पीसीज को अंतः कंकाल, सलकों के प्रकार व
गिल्स की संरचना के आधार पर देखिए इन मछलियों को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, इसी में मछलियां ही आती हैं। अंतःकंकाल किसके आधार पर, अंतःकंकाल अंतःकंकाल शल्क के प्रकार तथा गिल्स की संरचना के आधार पर मछलियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। मछलियों या इनपीसीज को, मछलियों को ये जो अधिवर्ग है उसको दो वर्गों में, मछलियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। दो वर्गों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है कॉन्ट्रैक्टीज और दूसरा है ऑस्टिकटीज, ठीक है। पहला है कॉन्ट्रैक्टीज और दूसरा है अपना ऑस्टिकटीज, ऑस्टिकटीज, ठीक है, ये दूसरा अपना ऑस्टिकटीज है। इसमें पहला अपन वर्ग आज पढ़ेंगे, वर्ग कॉन्ट्रैक्टीज, ठीक है, पहला वर्ग है हमारा वर्ग कॉन्ट्रैक्टीज। वर्ग कॉन्ट्रैक्टीज क्या कहता है, वर्ग कॉन्ट्रैक्टीज हमें बताता है कि इस वर्ग के कुछ लक्षण हैं खास खास, ठीक है, वो देखते हैं मुख्य लक्षण। पहला, इनका शरीर क्या होता है, धारा रेखीय होता है। पहली बात तो इनका शरीर धारा रेखीय और समुद्री प्राणी होता है, ये शरीर इनका धारा रेखीय व समुद्री प्राणी है। ये जो होते हैं सभी समुद्री प्राणी होते हैं, सभी के सभी जीव, जो भी क्वांटिटीज में जो भी मछली आती है वो सभी समुद्री होती है। इनका जो मुख होता है वो अदर तल पर स्थित, जिनमें एक एक दांत युक्त जबड़ा होता है, ठीक है, इनका मुख अधर तल पर स्थित, जिसमें क्या होता है, जिसमें दांत युक्त सबड़ा उपस्थित होता है, अर्थात पाया जाता, दांत युक्त इसमें क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है, ठीक है। इनमें अंत जो कंकाल होता है वो उपास्थियों का बना होता है, उपास्थिल का बना होता है तथा बाह्य कंकाल प्लेकोइड का बना होता है, ठीक है। इनका जो आंतरिक कंकाल अंत कंकाल उपास्थिल का बना होता है तथा बाह्य कंकाल प्लेकोइड का बना होता है। बाह्य कंकाल किसका बना होता है, प्लेकोइड का बना होता है। बाह्य कंकाल किसका बना होता है, हमारे प्लेकोइड का बना होता है, ठीक है। इनमें
पांच से सात जोड़ी गिल क्षेत्र व गिल्स, इन गिल क्षेत्रों पर क्या पाए जाते हैं? गिल प्रच्छद पाए जाते हैं, इन पर गिल प्रच्छद अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे गिल क्षेत्र गिल्स पाए जाते हैं हमारे आंख के, तो आंख के ऊपर ये जो पलके हैं, ठीक है, ये गिल प्रच्छद की तरह है। हमारी आंख अगर गिल है तो गिल के ऊपर ये गिल प्रच्छद है, तो ये गिल प्रच्छद नहीं पाए जाते हैं इनके गिल्स के ऊपर। तो इनमें देखिए पांच से सात जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन गिल्स पर गिल्स प्रच्छद नहीं पाए जाते, गिल्स प्रच्छद नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो वायुवाश है या एयर ग्लैंडर जिसे कहते हैं, वायुवाश से अनुपस्थित होते हैं, वायुवाश से नहीं पाए जाते हैं, तो ये स्थिर रूप से बिना तेरे सॉरी वायुवाश से इनमें अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण वायुवाश से कार्य क्या करते हैं, वायुवाश से काम करते हैं, वायुवाश से करते हैं क्या काम, वायुवाश से का कार्य होता है कि वायु जब ये लगातार तैरने में सहायता करते हैं, किसको, मछलियों को लगातार तैरने में सहायता करते, ठीक है, तैरने में सहायता करते हैं, अगर उनके पंख ना हिलाएं, ऊपर ना भी हिलाएं थोड़ी देर, तो वायुवाश से अगर उनमें उपस्थित हो तो उनको तैरने की जरूरत नहीं है, वो लगातार ऐसे ही गति करते चले जाएंगे लगातार तैरने। लेकिन जिनमें वायुवाश से नहीं पाया जाता, जिसे कॉन्ट्रैक्टिव के मछलियों में नहीं पाया जाता, तो वो उनको लगातार तैरते रहने की आवश्यकता होगी, जैसे ही वो तैरना बंद करेंगे वो नीचे की तरफ गति करना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ डूबना स्टार्ट हो जाए। वायु आस से या एयर ब्लेंडर जैसे वायु आस से अनुपस्थित होते हैं, वायु आस से अनुपस्थित होते हैं, वायु आस से अनुपस्थित होते हैं, वायुवाश से अनुपस्थित होते हैं, अतः इन्हें लगातार क्या करने की, तैरने की आवश्यकता होती है। लगातार नहीं तैरेंगे ये तो ये नीचे की तरफ पानी के पैने की तरफ गति करना स्टार्ट कर देंगे। इनमें जो नर होता है उनमें क्लेस्पर नामक क्या पाया जाता है, मैथुन अंग पाया जाता है। छठा है नर में क्लेस्पर नामक मैथुन अंग पाया जाता है, क्लेस्पर मैथुन अंग पाया जाता है। सांका देखें, सातवां है कुछ मछलियां इस कॉन्ट्रैक्टिव ज्वर की जो कुछ मछलियां होती हैं वो विद्युत अंग व विष दंत उपस्थित होते हैं। कुछ एक मछलियों में विद्युत अंग पाए जाते हैं, अर्थात जैसे इलेक्ट्रिक फिश होती है उसमें विद्युत करंट लगता है, अगर उनको छुएंगे तो पर करंट लगेगा, और कईयों में जहर वाले दंश भी पाए जाते हैं, डंक भी पाए जाते हैं। कुछ मछलियों में विद्युत अंग व विष दंत उपस्थित होते हैं, विष दंत उपस्थित होते हैं, ठीक है, विद्युत अंग व विष दंत उपस्थित होते हैं। इनमें जो नर व मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें नर आए नर व मादा
अलग अलग तथा अंतः निषेचन, अंतः निषेचन होता है। इनमें क्या होता है? अंतः निषेचन होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अंतः निषेचन होता है, नर एवं मादा अलग अलग होते हैं मछलियों के, और अंतः निषेचन होता है। एग्जाम्पल देखिए, एस्कोलियोडॉन जिसे कुत्ता मछली कहते हैं, ठीक है, फ्रिस्टिल, इनके एग्जाम्पल देखिए, एस्कोलियोडॉन, एस्कोलियोडॉन को कुत्ता मछली कहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी आकृति कुत्ते की तरह होती है। प्रिस्टिल, वेल शार्क, इसी तरह प्रिस्टिल, वेल शार्क, वेल शार्क, ठीक है। स्पेरना, राइनोबैक्टर्स, स्पेरना, राइनोबैक्टर्स बैडस आदि, ये इसके उनसे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये वर्ग क्वांटिटेटिव के मुख्य लक्षण अपन ने पढ़े। अगला जो वर्ग अपन अधिवर्ग पढ़ेंगे, टेट्रापोडा, ठीक है, सॉरी, इस वर्ग का जो दूसरा, इस अधिवर्ग जो पिसीज अधिवर्ग है, उसका दूसरा वर्ग अपन पढ़ेंगे, पौष्टिक थी, ठीक है। एक बार स्क्रीन शॉट ले इसके बाद, तो ये तो थी हमारे अधिवर्ग पिसीज की बात है, ठीक है। तो अगला जो ऑस्टिक्टीज वर्ग है वो अपन आने वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और टेट्रापोडा जो वर्ग है वो भी अपन पढ़ेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले क्लास में शायद अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद करता हूं आपको जो भी आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने और अपने घर वालों का ध्यान दे, ठीक है। अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अगर किसी भी कारणवश बाहर जा रहे हो, किसी चीज को ही लेने जा रहे हो, तो क्या उसी चीज को घर से बाहर से वापस अंदर ला रहे हो अपने घर के अंदर, या फिर क्या, या फिर कुछ ऐसी हानिकारक चीज, बहुत ही हानिकारक चीज अपने घर में वापस ला रहे हो, तो इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।